नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। जालौन में रिश्ते को शर्मसार करने वाला घटना सामने आया है, जहां कलयुगी बेटे ने अपने ही मां की सिलवट से कुचलकर हत्या कर दी, साथ ही शव को अपने ही आंगन में दफना दिया। 3 दिन तक जब उस महिला के बारे में पता नहीं चला तो आस पड़ोस के लोगों ने उसके पुत्र से पूछा तो हत्या आरोपी युवक ने अपने माँ की खुद हत्या करने की बात कबूली, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जिस पर ग्रामीणों ने इस मामले की सूचना पुलिस को दी तो पुलिस घटना स्थल पर पहुँच कर महिला के शव को आंगन से खुदवा कर निकलवाया। वहीं बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये सुबह लड़का नल पे गया पानी भरने, तो वहाँ लोगों ने इससे पूछा कि तुम्हारी माँ पानी भरने नहीं आ रही, कहाँ है, 2-3 दिन से नहीं दिख रही। तो इसने ये बताया, माँ को तो 4 दिन पहले मैंने मार के अपने यहीं पे गाड़ रखा था। तो उन्होंने कहा है, तो बोले हाँ, बोले चलो मैं दिखाता हूँ कहाँ पे गाड़ रखा। बस वो तो सब लोग आए, देखा तो नीचे गाड़ के रखा था, मिट्टी वैसी खुदी पड़ी थी, ऊपर से ढक के रखा था। ये भी मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है और माँ भी थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब तो पहले से थी। अच्छा, इसके घर में जो रहता है ये माँ बेटे दोनों, बाकी इसकी 6-7 बहनें हैं, वो सब शादीशुदा हैं, सब बाहर है। और ये अभी चली गई थी अपनी बहनों के पास भी, कुछ दिन बनी रही है, फिर चल जाके वहाँ से लिवा के ले आया। ये आज कालपी पुलिस को जानकारी मिली थी कि इस गांव में कुरैना में एक राम जानकी नामक महिला, जिसका पुत्र जयपाल है, इसने अपनी माँ की हत्या कर दी है, इसी जानकारी मिली थी। मौके पर आने पर उसी के घर में उसकी लाश गड़ी हुई मिली है, जो अभी सभी के सामने निकाली गई, पंचायत के पोस्टमार्टम के लिए भेजी जा रही है और इनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जांच में कुछ अभी तक स्पष्ट हो पाएगा? बातचीत करने पर लगता है कि मानसिक रूप से थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है, और जो प्रथम दृष्टया साक्ष्य है, यहाँ पर ऐसा लगता है कि स्वयं इसने अपनी माँ को लोढ़े से मार के कूच के अपने घर में ही दबा दिया था। पेश जालौन से हमारे संवाददाता अनुज पाटकर की खास रिपोर्ट।